आप देख रहे हैं काज चक्र, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना वेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आपके घर में कबूतर आते हैं? क्या आपके घर में कबूतर ने घोंसला बनाया है? क्या आप कबूतरों को दाना डालते हैं? तो जरूर देखें कालचक्र। जी हाँ, सभी परिंदे बहुत ही चंचल और मासूम होते हैं, लेकिन कबूतर चंचल कम और मासूम ज्यादा होता है। आपके घर के छत या बालकनी में कबूतर तो जरूर आते होंगे, या फिर आप अक्सर कबूतरों को दाना पानी भी देते होंगे। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये मामूली सा दिखने वाला कबूतर आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके साथ ही अगर आपने घर में कबूतर को कैद कर रखा है या कबूतर ने आपके घर में घोंसला बना रखा है, तो आपको सावधान रहने की, और इसके साथ ही आज कालचक्र में क्या कुछ पंडित जी आपको बताएंगे ये आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आज कबूतर से जुड़ी आपको पंडित जी देंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 01204602503 और 01204602504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें, उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। आठ फरवरी 2017 दिन बुधवार। आज माघ शुक्ल जो सुबह 11:29 तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:14 तक, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12:30 तक। आज प्रदोष व्रत भी है और आज दोपहर 12:14 के बाद से वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त भी है। तो ये आज का पंडित जी ने शुभ मुहूर्त बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की दिलचस्प चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, आज हम लोग कबूतर पे बात करने वाले हैं जी। सबसे पहले कालचक्र के दर्शकों को आप यही बताइए कि शास्त्रों में कबूतर जैसे जीव के बारे में क्या कुछ लिखा गया है, कबूतर का हमारे कौन से ग्रह से संबंध होता है, और कबूतर को क्या हम खाना दें, क्या दाना पानी डालें, और उससे हमारे क्या कुछ काम बन सकते हैं। सही है, आप तो रोज कबूतरों को देखते होंगे, लेकिन कभी आपने गंभीरता से शायद ही सोचा होगा कि ये कबूतर वाकई में क्यों इन्हें इंसान इतना पसंद करता है, क्यों इन्हें इंसान दाना पानी डालता है, दूसरे पंछियों की अपेक्षा क्यों ये इंसानों के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, इस विषय पर आपने शायद ही सोचा होगा। आप सभी को बताना चाहूंगा कि कबूतर का शास्त्रों में अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। कबूतर देवगुरु बृहस्पति जो ग्रह है उसका प्रतीक माना जाता है। कबूतर को शांति दूत का भी प्रतीक माना जाता है। कबूतर को पिंजरे से मुक्त करने से गुरु ग्रह का शुभ फल तत्काल प्राप्त होता है। जिसकी भी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में हो, या बृहस्पति पाप पीड़ित हो, या बृहस्पति अस्त हो, ऐसा कोई व्यक्ति अगर कबूतरों को पिंजरे से आजाद कराए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सारे कर्मकांड एक तरफ, लेकिन आपका बृहस्पति शुभ फल देने आपको शुरू कर देगा। सफेद कबूतर का शुभ या अशुभ फल एक साल में दिखता है, लेकिन जो चितकबरे कबूतर होते हैं उनका शुभ या अशुभ फल 6 महीने में ही दिखता है। और जो धुएं के रंग जैसे कबूतर होते हैं उनका शुभ या अशुभ फल तत्काल तुरंत इमीडिएट दिखता है। जिन लोगों की लग्न कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा से युक्त होकर गजकेसरी योग बना रहा हो, लेकिन गजकेसरी योग होने के बावजूद भी जिंदगी में कुछ अच्छा ना हो रहा हो, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोग अगर कबूतरों को चावल और ज्वार बाजरा डालें तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का समाज में सम्मान बढ़ेगा और सारे कार्यों में सफलता मिलेगी। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में चांदी के कबूतरों का जोड़ा बनवा करके रखने से
वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, खास करके अगर ड्राइंग रूम में पश्चिम उत्तर के कोने पर चांदी के दो कबूतर बनवा करके रखे जाएं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी और उस घर में हर समय सुख संपन्नता वैभव बना रहेगा। कबूतरों का जोड़ा रखने से बीमारियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। यहां तक कि अगर कोई बीमार भी हो और उसके कमरे में कबूतरों का जोड़ा रखा जाए तो उसकी बीमारी में भी छोटी छोटी दवाइयां संजीवनी बूटी की काम करने वाली होती हैं और रोग से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी राहु केतु की महादशा चल रही है या आपका वैवाहिक सुख और संतान सुख ये बाधित है तो कौन सी चीज आप जरूर खिलाएं कबूतरों को, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों के राशिफल का। जी हाँ, तो अगर राहु केतु के बुरे प्रभाव से आप लोग भी बचना चाहते हैं तो आपको कबूतर को क्या चीज खिलानी है, पंडित जी आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी जरा आज के राशिफल का हम आगाज कर लेते हैं। बात मेष राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि मेष राशि का स्वामी मंगल द्वादश भाव में इस समय 14 डिग्री पर विराजमान है और मेष राशि से भाग्यस्थान का स्वामी बृहस्पति इस समय कन्या राशि में 29 डिग्री पर विराजमान है। अगर मंगल शुक्र की स्थिति देखा जाए तो आमने सामने की स्थिति है, ऐसे में आज आप नया काम शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे, कोई आपको नया काम करने की प्रेरणा देगा, लेकिन बदलते विचारों के कारण आप उलझन में ही रहेंगे जिससे आज कोई डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होगी। साथ ही काम करने वालों के साथ भी आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आप मेष राशि के जातक हैं, आज आप लाल चंदन का तिलक लगा करके ही घर से बाहर निकले और गेहूं का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय अपनी उच्च राशि में मीन राशि में 31 कला पर विद्यमान है, मंगल की युति बनी हुई है और बृहस्पति की दृष्टि हो रही है, तो मैं तो आज सभी वृषभ राशि के जातकों को ये कहना चाहूंगा कि आज कोई भी काम, जो भी काम आप करिए, सोच समझ करके करिए और जिद पकड़ करके कोई काम न करिए। समाधान जिद छोड़ने पर ही निकलने की संभावना बनेगी, वरना हाथ आए अच्छे अवसर को भी आप गंवा सकते हैं। आज अगर आपने जिद किया, हट किया, तो निश्चित रूप से अच्छे अवसर भी आपके हाथ से जाएंगे, क्योंकि अभी शुक्र की जो स्थिति है ना, 31 कला कोई मतलब थोड़ी है कि आपको कहीं से कोई प्रोटेस्ट मिलेगा या कहीं से आपको कोई भाग्य आपका बल देगा। ऐसे में अगर आज संभव हो तो आप यात्रा ना करें, यात्रा रोक दें, और अगर यात्रा करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक यात्रा करें, किसी तरह का यात्रा में दुस्साहस या जल्दीबाजी ना करें। आज आपको अपने राशि स्वामी शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए, ओम सुं शुक्राय नमः। सफेद फूल की माला मंदिर में आज आपको देना चाहिए और शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, बताइए, अगर राहु केतु हमारी कुंडली में कमजोर अवस्था में है और शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से बहुत सी परेशानियां जीवन में आ रही हैं, पारिवारिक जिंदगी ठीक नहीं चल रही, शादीशुदा जिंदगी में रुकावटें हैं, तो इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए कबूतर कैसे मददगार साबित हो सकता है? देखो ज्योत्सना, ये सही है कि जब शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो मनुष्य के जीवन में विलासिता, गृहस्थ जीवन का सुख और वैभव, ये सब चीजें दूर होने लगती हैं। इसी तरह से राहु वैभव का ग्रह है, राहु भी खराब होने पर
वैभव से हीन व्यक्ति हो जाता है। अगर कुंडली में दुर्योग से अगर ऐसी कोई स्थिति है और मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में इस समय वर्तमान में राहु या केतु की दशा चल रही है और अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। वैसे अपने दर्शकों को बता दूं कि राहु तृतीय षष्ठ माने छठवां और ग्यारहवां इन तीनों स्थानों पर होने के बाद अपनी महादशा में कभी अशुभ फल नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ राजयोग देता है। तो अगर इस तीन स्थानों के अलावा कहीं राहु है और उसकी महादशा चल रही है, उसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, तो कबूतरों को आपको चाहिए कि आप बाजरा जरूर डालें। और अगर शुक्र ग्रह का आप पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, देखिए शुक्र ग्रह पे अशुभ प्रभाव का क्या मतलब है, मतलब ये है कि दाम्पत्य जीवन देखने के लिए, वैवाहिक जीवन देखने के लिए तीन चीजें देखी जाती हैं, भाव, भावेश और कारक। भाव माने सप्तम भाव, भावेश माने सप्तम भाव का स्वामी और कारक माने शुक्र। अगर ये तीनों की स्थिति दुर्बल हो और खास करके शुक्र को पापक ग्रह देखते हो, राहु केतु शनि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा और संतान सुख भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में कबूतरों को ज्वार खिलाना चाहिए और ये ज्वार कम से कम 41 दिनों तक नियमित कबूतरों को खिलाना चाहिए। अगर आपके आपके पिता से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या आपको आंखों में तकलीफ होती है, या आपको ग्लूकोमा जैसी बीमारी हो गई है, आपको शुगर है और अब शुगर के कारण आपके आंख की समस्या बढ़ रही है, या आप युवावस्था में हैं और आपको हार्ट की समस्या हो रही है, या समाज में आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, आपके कुंडली के दशम एकादश स्थान में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, आपकी बदनामी हो रही है, तो ऐसे में भाई आप कबूतरों को भिगो करके गेहूं उसके बाद खाने के लिए डालिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यह उपाय सिर्फ आप 7 दिन करें, आपके सम्मान में परिवर्तन आपको दिखाई देगा और निश्चित रूप से आप ये कहेंगे कि हाँ वाकई ये उपाय नहीं चमत्कार है। कबूतरों को श्रद्धा पूर्वक गेहूं भिगो करके उसके बाद उसे पानी से छान करके आप खाने के लिए डालें, आप देखें 7 दिनों के अंदर आपके मान सम्मान पर लगा हुआ प्रश्न चिन्ह समाप्त हो जाएगा। आगे आपको जन्म तारीख के अनुसार बताऊंगा कि कौन सी चीज आपको कबूतरों को जरूर खिलानी चाहिए जिससे आपका गुड लक हमेशा आपके साथ बना रहे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, तो आज आपको पंडित जी यही बता रहे हैं कि कबूतर का आखिर आपकी किस्मत से कनेक्शन क्या है, आपकी जो भी जीवन में परेशानियां हैं जिससे आप दो चार हो रहे हैं, निजात पाना चाहते हैं, तो आपको कबूतर से जुड़ा कौन सा खास उपाय करना है और कबूतर को क्या कुछ खाने में देना है, इसी बारे में आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए मिथुन राशि में इस समय चंद्रमा विद्यमान है 18 डिग्री पर और मिथुन राशि से द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है अर्थात धन भाव का स्वामी है और लग्न में ही बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आज मिथुन राशि के जातकों को धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। अब गमन स्थान में केतु की स्थिति भले है, लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो इस बात का संकेत कर रही है कि आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन ये केतु आपके मन में नकारात्मक विचार भरेगा, तो इसलिए आज मेडिटेशन करना, ध्यान करना आपके लिए लाभकारी होगा। अगर संभव हो तो गाय को हरा चारा खिलाइए और किन्नर को चूड़ियां दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आपको बताएंगे कि आज का गुडलक मुहूर्त क्या है, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुडलक साबित होंगे। जी पंडित जी बताइए आज का गुडलक मुहूर्त। देखिए आज अभिजीत अमृत
अभिजित मुहूर्त और अमृत मुहूर्त दोनों नहीं है। इसलिए राहु काल जो 12 बजे से 1:30 बजे तक है उसको छोड़ करके कभी भी किसी भी समय आप अपना जरूरी काम भगवान गणेश का स्मरण करते हुए शुरू करिए, आपको सफलता मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, यदि आप किसी कार्य का कार्यारंभ करना चाहते हैं तो एक मंत्र आपको बता रहा हूँ, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। चुनाव का समय चल रहा है, जो लोग चुनाव से संबंधित काम करने जा रहे हैं वो लोग अगर इस मंत्र को पढ़ करके अपना पर्चा दाखिल करेंगे या अपने चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो विश्वास के साथ उन्हें विजय प्राप्त होगी। तो आज किस्मत के सितारे कर्क राशि के जातकों के क्या कहते हैं, इनका आज का राशिफल और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मिथुन राशि में व्यय भाव में विराजमान है और कर्क राशि पर सूर्य और बुध की पूरी दृष्टि बन रही है। ऐसे में दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो आज आपकी फिजूल खर्ची बढ़ेगी और ये फिजूल खर्ची आपको परेशान भी कर सकती है, खास करके स्वास्थ्य में गिरावट और मानहानि की भी संभावना है। परिवार के साथ मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए आप अपने जबान पर रखें, चंद्रमा को अर्घ दें, रेवड़ी दान करें, शुभ अंक आपके लिए 2 होगा और शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपका कारोबार घाटे में जा रहा है, नौकरी आपके पास है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या नौकरी के लिए आप दर दर भटक रहे हैं तो आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसके साथ ही शादी हो गई है, मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है या शादी नहीं हो पा रही है, अड़चने आ रही हैं, तो इन तमाम परेशानियों का हल एक कबूतर के पास है। कैसे, पनिश आपको बताएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। जल्द आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी कबूतर की तरह बेफिक्र होकर आकाश छूना चाहते हैं, पढ़ाई, नौकरी, कारोबार, शादी और जीवन के हर फील्ड में तरक्की, शोहरत और सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको कबूतर को कौन सी खास चीज जरूर खिलानी चाहिए, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव आपको होता है, किसी छोटी सी बात को लेकर के आप तनाव में हो जाते हैं, आपकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं चंद्रमा के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि पड़ रही है या आपका चंद्रमा राहु केतु के मध्य हो गया है, तो कबूतरों को चावल जरूर डालिए। और अगर आपको बोलने में तकलीफ होती है या हकलाहट होती है या पढ़ाई में रुकावट आ रही है या परीक्षा के समय आप बीमार होते हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, तो देखने में तो आपका व्यवसाय ठीक चल रहा है लेकिन हिसाब किताब में कारोबार में घाटा हो रहा है, तो भी आपको कहना चाहूंगा कि आप मूंग की दाल और बाजरा ये कबूतरों को जरूर डालिए। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है और शादी के योग्य आप हो गए हैं या उच्च शिक्षा और नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उच्च शिक्षा नहीं आपकी हो पा रही है, पीएचडी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका कहीं ठीक से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है या शादी में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन अगर सुखी नहीं है तो चने की दाल या भुट्टे के दाने कबूतरों को जरूर डालिए और ये उपाय 41 दिन करिए, निश्चित रूप से आपको राहत दिखाई देगी। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट सी है, हमारा सनातन धर्म इस आस्था के ऊपर जिंदा है कि यहाँ हर जीव में प्रभु का वास होता है, हर जीव में प्रभु का वास होता है, जड़ चेतन अस्थावर जंगम, चराचर जगत के जितने भी जीव जड़ चेतन हैं, सब में उसी ईश्वर का वास है। और जो भगवत प्राप्त, ईश्वर को प्राप्त साधु संत
मनीषी रहे हैं उन्होंने भी यही कहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा तो कबूतर के भी शरीर में वही आत्मा होती है और मनुष्य के शरीर में भी वही आत्मा आती है। यह तो नाना प्रकार की योनियों में मनुष्य अपने कर्म से भटकता है। तो अगर आप कबूतरों को दाना डालते हैं और उनमें भी आप ईश्वर को देखते हैं अपने मनोभाव से, तो निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी जन्म तारीख के अनुसार कबूतरों को कौन सी चीज खिलाएं जिससे आपको कभी दुर्भाग्य छू न पाए और सौभाग्य हमेशा आपके समानांतर चले, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का समय हो चुका है। अच्छा पंडित जी, राशिफल हम बताएंगे दर्शकों को। जब भी हम कभी रास्ते से गुजर रहे हैं और अगर कबूतर बीट कर देता है तो कुछ लोग इसे बहुत अच्छा मानते हैं, तो सच्चाई क्या है इसके पीछे? क्या ये शकुन है, क्या अपशकुन है, क्या है? देखिए, कबूतरों का बीट करना खास करके सर पे अच्छा माना जाता है, लेकिन कपड़ों पे बीट करना अच्छा नहीं माना जाता है, शास्त्र की जो बात है। इसके बाद कौवे का बीट करना बहुत ही अशुभकारी माना जाता है, और कौवा अगर आपके ऊपर से उड़ करके चला जाए और वो अपने पंजे से आपके सर का स्पर्श कर दे, तब तो स्पष्ट रूप से मौत सन्निकट समझनी चाहिए। लेकिन कबूतर के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। कबूतर अगर आपके सर पे बीट करता है तो आपको कहीं मुनाफा होने वाला है, और अगर कपड़े पे बीट करता है तो निश्चित रूप से आपको व्यर्थ भ्रमण करना पड़ेगा, ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो ये कबूतरों से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो हमारे समाज में किंवदंतियों के रूप में भी प्रचलित हैं और लोग यही मानते भी हैं। और चलिए अब राशिफल को हम आगे बढ़ा लेते हैं, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। देखिए, सिंह राशि में वैसे तो राहु की स्थिति है, लेकिन आमदनी के स्थान में आज चंद्रमा स्थित है, और चंद्रमा की स्थिति जो है वो एकादश भाव में होने के कारण आज सिंह राशि के जातकों को कारोबार में मुनाफा दिलवाएगा और मित्रों का पूरा साथ भी मिलेगा। लेकिन जो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसके कारण आप किसी बात को लेकर के दुविधा में रहेंगे, आपके मन में दुविधा भी बढ़ेगी कि ये काम करूं या ना करूं। ऐसे में संभव हो तो आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन, कोई महत्वपूर्ण फैसला आप न लें। आज आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, मसूर की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए एक होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज की किस्मत के सितारे कन्या राशि के जातकों के क्या कुछ कहते हैं, इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। कन्या राशि से आज केंद्र में तीन तीन शुभ ग्रहों की स्थिति है और एक शुभ ग्रह त्रिकोण में बैठा हुआ है, अर्थात बृहस्पति जहां कन्या राशि में है वहीं शुक्र मीन राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में और बुध मकर राशि में पंचम भाव में। आज कन्या राशि के जातकों को कारोबार में मुनाफा और नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज कोई नया काम शुरू करने की या नए काम की योजना बनाने की बहुत अच्छी स्थिति निर्माण होगी। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा और पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। बस थोड़ा सा समय निकालिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, और यदि संतान पाना चाहते हैं तो हरिवंश पुराण का दान किसी सुयोग्य विद्वान को अवश्य करिए। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए हरा। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब जन्म तारीख के अनुसार हम आपको बता देते हैं कि आपको कबूतर को क्या खिलाना है अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। तो मूलांक एक से लेकर मूलांक नौ वाले लोगों को अपनी किस्मत चमकाने के लिए कबूतर को कौन सी चीज जरूर खिलानी चाहिए, आइए जानते हैं। जी पंडित जी, मतलब है कि अगर आपका जन्म किसी महीने की एक तारीख को, दस तारीख को या उन्नीस तारीख या एक तारीख, दस तारीख या फिर 19 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक एक है। ऐसे लोगों को भुट्टा और गेहूं मिलाकर के 3 महीने तक कबूतरों को खिलाना चाहिए। और अगर किसी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को या 20 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो साबुत चावल और बाजरा मिलाकर के हर रोज कबूतरों को खिलाना चाहिए। और यदि आपका मूलांक 3 है, आप किसी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को या 21 तारीख को पैदा हुए हैं या 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो चने की दाल और बाजरा मिला करके 7 मुट्ठी कबूतरों को जरूर खिलाएं। और यदि आपका जन्म मूलांक 4 में, अर्थात 4 तारीख को, 13 तारीख को या फिर 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को हुआ है तो 1 किलो बाजरा आपको कबूतरों को डालना चाहिए। यदि आपका मूलांक 5 है, आपका जन्म किसी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है तो आप कबूतरों को बाजरा जरूर डालें। मूलांक 6 वाले जिनका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है उन्हें भी कबूतरों को ज्वार बाजरा डालना चाहिए। सफेद तिल भी डालने पर भाग्योदय होगा। और यदि मूलांक 7 है, किसी महीने का 7 तारीख का आपका जन्म है या फिर 16 तारीख का जन्म है या फिर 25 तारीख का जन्म है तो 7 मुट्ठी मोठ की दाल कबूतरों को खिलानी चाहिए। इसी क्रम में अगर आपका मूलांक 8 है, किसी महीने में आप 8 तारीख को पैदा हुए हैं या 17 तारीख को पैदा हुए हैं या 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपको ज्वार और बाजरा मिक्स करके कबूतरों को डालना चाहिए। मूलांक 9, यदि 9 तारीख को आपका जन्म हुआ है, 18 तारीख को जन्म हुआ है, 27 तारीख को जन्म हुआ है तो कबूतरों को गेहूं आपको खिलाना चाहिए। और अगर गेहूं भिगो करके उसके बाद आप कबूतरों को खिलाएं तो शायद ये आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। अगर आप छत में कबूतरों के लिए दाना बिखेरते हैं, अगर आप छत पर कबूतरों के लिए दाना बिखेरते हैं, अगर कबूतरों ने आपके घर में घोंसला बना रखा है या आपने जंगली कबूतर पाले हुए हैं तो संभल जाइए और बने रहिए कालचक्र के साथ। इस बारे में मैं दूंगा आपको सबसे अचूक और अनूठी जानकारी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। देखिए, वैसे तो तुला राशि पर इस समय किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि नहीं है, लेकिन दशम भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव में जाने के लिए उद्यत है, इसलिए आज तुला राशि के जातकों के जो इमीडिएट बॉस होंगे वो काम से नाखुश हो सकते हैं, कारोबार में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, बच्चों से जुड़ी कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है। अपने गुस्से पर काबू रखने की आपको सलाह देता हूं। मां दुर्गा की आराधना करिए, शहद का दान करिए, शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा वृश्चिक राशि के जातकों का, इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है जो इस समय शुक्र के साथ पंचम भाव में विद्यमान है और व्यय भाव का स्वामी भी शुक्र है। ऐसे में आज वृश्चिक राशि के जातकों के खर्च बढ़ने से परेशानी भी बढ़ेगी, रोग, बीमारी और मुकदमे पर बेइंतहा खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट आएगी और सही समय पर काम भी पूरा नहीं होगा जिससे मन अशांत रहेगा। मन को आज शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए
और गैर कानूनी कामों से आपको बहुत दूर रहना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आराधना आपकी मनोकामना पूरी करेगी। गुड़ का दान अगर धर्म स्थान में करेंगे तो इसका भी आपको पुण्य मिलेगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप जंगली कबूतर पाल रहे हैं, अगर कबूतर ने घर में घोंसला बना रखा है या फिर आप छत में कबूतरों के लिए दाना बिखेरते हैं तो समझिए आप पर संकट आ सकता है, क्योंकि ये चीजें आपके लिए ठीक नहीं है। क्या है कबूतर से जुड़ी और कुछ सावधानियां, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, और कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है। देखिए, कबूतरों को दाना डालना पूरे का काम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकता है। ये लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकता है। अगर आप अपने घर की छत पर कबूतरों के लिए दाना बिखेरते हैं तो, क्योंकि कबूतर बुध है और छत पर राहु है, छत पर दाना डालने से बुध और राहु का मिलन होता है, छत गंदी होती है जिससे राहु अशुभ फल देता है। ऐसे में आपको छत पर ही दाना डालना है तो पंछियों के दाना खाने के बाद पानी से पूरी छत धो दें, और ऐसा आप नहीं कर सकते, इसलिए आप कबूतरों को अपने छत पर दाना डालकर अपने लिए दरिद्रता का निमंत्रण न दें। मेरा साफ स्पष्ट एक लाइन में सुझाव है कि आप कबूतरों की सेवा निश्चित रूप से करें, लेकिन अपने घर के छत पर नहीं। घर में जंगली कबूतर कभी न पालिए। कबूतर अगर पालने हैं तो घर से बाहर ही पालें। एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी भी कबूतरों को पानी मत रखिए। कबूतरों के लिए हमेशा मिट्टी का बर्तन पानी के लिए यूज करिए और वो पानी हर रोज बदलिए। घोंसला अगर आपके घर में कबूतर बनाते हैं तो धन आना रुकेगा, जीवन में अस्थिरता बढ़ेगी, परिवार में कलेश बढ़ेगा। कबूतर अगर आपके घर में बैठ करके और कुहू कुहू के शब्द को जो है हर समय कहता रहेगा तो इससे आपकी मानसिक एकाग्रता समाप्त होगी और आपके परिवार पर विपत्तियों के पहाड़ टूटेंगे। तो कोशिश करिए कि आपके घर के अंदर कबूतरों का घोंसला न रहने पाए। लेकिन अगर कबूतरों का घोंसला है, उसने अंडा दे दिया है, उसका बच्चा छोटा है, तो निर्दयता के नाते उसे उठा करके फेंकिए भी मत। हाँ, वाच करते रहिए, जब कबूतर के बच्चे उड़ने लायक हो जाएं तब उनके घोंसले को निकाल करके बाहर कर दीजिए। कारोबारी डील में सफलता पाने के लिए, क्रिएटिव फील्ड में तरक्की के लिए जरूर देखिएगा आज का हमारा सक्सेस मंत्र। बस थोड़ा सा इंतजार करिए। पंडित जी, कबूतर को क्या कुछ खिलाना है, क्या दाना पानी डालना है, ये तो आपने बताया। कुछ लोग घर में तस्वीरें लगा लेते हैं, कबूतर की मूर्ति रख लेते हैं, तो क्या ये एक ही बात है, मतलब एक बराबर चीज है? ये बहुत उत्तम बात है। देखो, कबूतर शांति का प्रतीक है। पहली बात, पहले जब हमारे यहाँ डाक व्यवस्था नहीं थी तो कबूतरों के माध्यम से चिट्ठियां भेजी जाती थी। और दूसरी बात, सफेद कबूतर तो सौभाग्य का प्रतीक है। अगर सफेद कबूतरों का चित्र, दो कबूतरों का, जोड़े कबूतरों का चित्र घर में लगाया जाए और चांदी के कबूतर बनवा करके अपने ड्राइंग रूम में रखा जाए तो विश्वास करो, ऐसे आदमी के जीवन से नकारात्मक एनर्जी समाप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मनुष्य भाग्यशाली बन जाता है, इसमें संदेह नहीं। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। देखिए, आज धनु राशि में शनिदेव की स्थिति जरूर है, लेकिन लाभ स्थान का स्वामी शुक्र चंद्रमा से चतुर्थ दशम की स्थिति में लाभ तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा जिससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि हो। सेहत का पूरा साथ आपको मिलेगा और पुराने दोस्तों के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन इसमें आप 7.5 के जाल में फंस चुके हैं, इसलिए आप सावधान होकर के ही जीवन में सारे निर्णय लीजिएगा। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, हल्दी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र।
क्या आपके घर में कबूतर आते हैं? क्या आपके घर में कबूतर ने घोंसला बनाया है? क्या आप कबूतरों को दाना डालते हैं? ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की, जो आपकी हर मीटिंग को सक्सेसफुल बनाएगा। जी पन्ने से बताइए। देखिए, आज आप किसी जरूरी काम या मीटिंग के लिए अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो उसमें सफलता पाने के लिए घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी और रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनवाइए और एक मुखी दीपक उस पर जला करके घर से बाहर निकलते समय दाहिना पैर बाहर रखिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु उपाय की, जो क्रिएटिव लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। जी पंडित जी, वास्तु टिप। आज अगर आप क्रिएटिव फील्ड में रुचि रखते हैं तो किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं और आप उन्नति चाहते हैं तो घर के उत्तर पश्चिम भाग में सफेद रंग की रोशनी वाला एक बल्ब जरूर लगाइए। घर में खराब पंखे या फिजूल के कागजात बिल्कुल ना रखें। और अब राशिफल में हम बात करेंगे मकर राशि वालों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। मकर राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है, अब शनि की दृष्टि मकर राशि पर नहीं है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि मकर राशि के जातकों के दशम भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि में है, जिसके कारण कारोबार में उन्नति के योग बनेंगे। लेकिन पैसों के लेन देन में सफलता तब मिलेगी जब आप सावधानी पूर्वक लेन देन करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और प्रतिस्पर्धी भी आपसे हार मानेंगे। आज दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे। आज शाम को घर में धूप जलाइएगा और काली उड़द की दाल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। जय मां बिंदी वासु। तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मकर राशि के जातकों का, आपको पंडित जी ने बताया। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के, इनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि में एक तो केतु है, दूसरे कुंभ राशि पर शनि की पूरी दृष्टि बन रही है, दो पापक ग्रहों का प्रभाव कुंभ राशि पर इस समय बना हुआ है, तो आज आपके विचारों में अस्थिरता रहेगी। आज आपके विचार स्थिर नहीं रहेंगे, दिमाग की स्थिति डामाडोल रहेगी। तो भाई, जब दिमाग की स्थिति डामाडोल रहेगी तो आप किसी काम की, नए काम की आज शुरुआत कम से कम मत करिएगा, और आज आपका अचानक खर्चा भी बढ़ सकता है, तो सावधान रहिए। महिलाओं को बताना चाहूंगा कि महिलाएं आज अपने जवान पर काबू रखें, जिससे उनका पारिवारिक जीवन सुखी रहे। आज आपके लिए शिव चालीसा का पाठ लाभकारी है, उड़द की दाल के बड़े बना करके दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अंत में अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, इनकी किस्मत का हाल और आज के दिन को खास बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए शुभ उपाय क्या है, शुभ दान इन्हें किस चीज का करना है, क्या है अंक और क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि से व्यय भाव का स्वामी शनि व्यय भाव को देख रहा है, इसका मतलब कि आज मीन राशि के जातकों के धन हानि का प्रबल योग बन रहा है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर आप यात्रा में हैं तो अपने सामान को लेकर के अलर्ट रहिए, आपका सामान भी चोरी जा सकता है, परिवार के साथ भी वाद विवाद बढ़ सकता है, प्रॉपर्टी गाड़ी के कागज और दस्तावेज भी संभाल करके रखें, और पानी से दुर्घटना के योग हैं, इसलिए आज कहीं हिल स्टेशन पर भी जाने की कोशिश ना करें। शुभ उपाय आपके लिए है, केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, विद्यार्थियों को पुस्तक दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग आपके लिए धानी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अच्छे उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।